नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप लोग देख रहे हैं मिडलैब चैनल। मेरे इस मिडलैब चैनल में दोस्तों आज और एक वीडियो लेके आया हूं मैं। आज का जो वीडियो है दोस्तों वो है एक एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में। तो इस एंटीबायोटिक टैबलेट का यूज़ क्या है, कंपोजिशन क्या है और इसको डोज कैसे लेना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों इसको लेने के बाद क्या कोई साइड इफेक्ट होता है क्या, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे मेडलैब चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ एक बार मेरे मेडलैब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बगल वाले घंटे को भी एक बार प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो एंटीबायोटिक टैबलेट है। तो इस टैबलेट का दोस्तों जो नाम है वो है एजिथेल 500। तो इस एजिथेल 500 का यूज़ क्या है, किस किस पर्पस में आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, उससे पहले दोस्तों और एक बार गौर कर लेते हैं इसका कंपोजिशन के बारे में। ये जो टैबलेट है तो ये आप देख रहे हैं एजिथ्रोमाइसिन है। ये एजिथ्रोमाइसिन आपको मिलता है 500 mg में। तो इस 500 mg एजिथ्रोमाइसिन को यूज क्या है उसके बारे में एक बार गौर कर लेते हैं। ये एजिथेल 500 है तो इसको आप बहुत सारे पर्पस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस टैबलेट को डॉक्टर साहब बहुत सारे पर्पस में आपको यूज करने के लिए दे सकते हैं। ज्यादातर दोस्तों ये आपके गले में टॉन्सिल फूलना, टॉन्सिल के साथ साथ सूजन भी रहता है और आप कुछ खा नहीं पाते, दर्द की वो सब प्रॉब्लम में भी इस एजिथ्रोमाइसिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको खांसी के साथ साथ बुखार या सीने में बलगम जम जाना, ये सब आदि प्रॉब्लम में भी दोस्तों आप लोग इस एजिथ्रोमाइसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ कान गलना, कान में दर्द या आपकी नाक में दर्द या नाक से खून बहता है, ये सब प्रॉब्लम में भी दोस्तों आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मलेरिया टाइफाइड की प्रॉब्लम है, बुखार है, बुखार के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी पे पेन है, तो वो सब आदि प्रॉब्लम में भी दोस्तों इस टैबलेट का डॉक्टर साहब आपको रिफर कर सकते हैं। आइए इसकी जो टैबलेट है इसकी डोज के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। दोस्तों ये जो टैबलेट है एजिथ्रोमाइसिन 500, तो इस टैबलेट को आप 5 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी की तरफ से दोस्तों ये 5 टैबलेट दिया गया है, ये 500 एडल्ट के लिए है, तो इसको बच्चे के लिए मत यूज कीजिएगा। और इस टैबलेट को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। विदाउट डॉक्टर परमिशन दोस्तों आप कोई भी मेडिसिन अप्लाई मत कीजिएगा। आए दोस्तों, ये जो टैबलेट है इसकी डोज के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ये एडल्ट के लिए है, पर डे 1 टैबलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बुखार में या गलों में टॉन्सिल, इसके साथ साथ स्किन में एलर्जी का प्रॉब्लम या इस स्किन में खुजली का कोई भी डिजिट आपको दिखाई देते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 5 डे के लिए दोस्तों डॉक्टर साहब आपको रिफर करेगा, तो इसको कंटिन्यू आपको 5 दिन तक ही इस्तेमाल करना है। इसको बीच में 2 टैबलेट खाने के बाद आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसको छोड़ना मत। ये 5 डेज के लिए कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया है, तो इसको आपको कंटिन्यू 5 दिन तक इस्तेमाल करना है। आए दोस्तों, ये जो एजिथ्रोमाइसिन या एजिथेल 500 है ये एलम्बिक कंपनी का एक बेस्ट प्रोडक्ट है। ये देख लीजिए, एलम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का एक बेस्ट प्रोडक्ट है। दोस्तों इसका रिजल्ट एकदम एक्सीलेंट है, तो आपको डॉक्टर साहब इस एजिथेल 500 को रिफर करता है। तो इस कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कीजिएगा तो इसका रिजल्ट दोस्तों आप लोग को एक्सीलेंट मिलता है। आए दोस्तों, इसका MRP कितना है उसके बारे में एक बार गौर कर लेते हैं। दोस्तों ये दिखाई दे रहा है आप लोगों का 5 टैबलेट का कीमत है ₹116.70। तो ये टैबलेट थोड़ा कॉस्टली है लेकिन इसका रिजल्ट एकदम एक्सलेंट है, तो आप इसको आसानी से आपकी प्रॉब्लम में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये और एक बात ध्यान दीजिएगा, इस टैबलेट का इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में भी एक बार आप लोगों को बता देते हैं। दोस्तों ज्यादातर ये टैबलेट इस्तेमाल करने के बाद कोई भी साइड इफेक्ट दिखाई नहीं देता, फिर भी अगर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल करने के बाद कोई भी वोमिटिंग का लक्षण आपको दिखाई दे या इसके साथ साथ सर में दर्द या आपको लूज मोशन का कोई भी साइड इफेक्ट दिखाई दे तो इस टैबलेट को तुरंत बंद कर दीजिए। डॉक्टर साहब का सलाह का बाद इसको इस्तेमाल आप फिर से कर सकते हैं। अगर डॉक्टर साहब अगर चाहेगा तो इस टैबलेट को फिर से आपको इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए
सबको धन्यवाद। इसके साथ साथ दोस्तों, आप और हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।